हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, सीए इंस्टीट्यूट ने 15 जुलाई यानी कि कल एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता दिया कि कौन से स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट और लेजिस्लेटिव चेंजेस नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। और इसी के साथ जो हमारा बड़ा कंफ्यूजन, डिस्कशन, डिबेट, स्पेकुलेशन चल रहा था कि क्या कोड ऑफ एथिक्स 2020 इनफैक्ट 2019 है वो, या कारो 2020 क्या नवंबर 2020 एग्जाम्स में एप्लीकेबल होंगे। और ये डिस्कशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मई 2020 की तैयारी कर रहे थे, चार पांच महीने से घर पे बैठे हुए दिन रात पढ़ाई करते हुए ये सोच के बैठे थे कि चलो कारो और कोड ऑफ एथिक्स नया आएगा तो इस बार में वही पढ़ लेंगे, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। उन सब की उम्मीदों पे इंस्टीट्यूट ने पानी फेर दिया है। क्यों? क्योंकि कारो 2020 हैज नॉट बीन मेड एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 2020 अटेम्प्ट। इवन कोड ऑफ एथिक्स का जो नया पब्लिकेशन है जिसे कोड ऑफ एथिक्स 2019 कहा जाता है, जो कि एप्लीकेबल 1 जुलाई 2020 से हुआ है मेंबर्स पर ऑन द सीए डे, that has also not been made applicable for this November 2020 attempt. इसका मतलब ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट में ना कारो 2020 ना एथिक्स 2020 is to be studied for November attempt. I presume that for sure it will become applicable for May 2021 attempt. So what we will do is एक बार हम quickly comprehensively CA final new और old course दोनों के लिए ऑडिट और एफआर इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंस्टीट्यूट ने इस नोटिफिकेशन में इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स क्लैरिफाई किए हैं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि नवंबर 2020 में हमें कौन सी नई चीजें पढ़ना है और छोड़ना है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट जिन स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट नवंबर 2020 के बियॉन्ड है वो भी डेफिनेटली ये पर्टिकुलर वीडियो देखें अच्छे से, ताकि उन्हें समझ में आए कि आपके अटेम्प्ट से स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होने वाली है। पहले अपन ऑडिट की बात करते हैं ताकि न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए वो कॉमनली रेलेवेंट हो सके, बिकॉज ऑडिट में पर से दस द सेम नोटिफिकेशन विच द इंस्टीट्यूट हैज गिवन, इट इज अ कॉपी पेस्ट। फाइनल एफआर में डेफिनेटली दोनों के नोटिफिकेशन अलग अलग है, तो हम उसको फिर अगला डिस्कशन में कवर कर लेंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट सीए फाइनल नवंबर 2020, व्हाट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट, तो लेट अस से हम पहले बात करते हैं ऑडिट की। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोड ऑफ एथिक्स 2019 विच वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020, इज इट एप्लीकेबल इन नवंबर 2020 CA final exams, and the answer is no. Will it be applicable from May 2021? Yes, that's what my guess is. But yes, sir, code of ethics में ये जो amendment है थोड़ा सा बता ही दो ना, क्योंकि बड़ा हमारे लिए tension का matter है। In fact, आपकी classes कर रहे हैं हम, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि हम पुराना code of ethics देखे या नहीं देखे, तो दोस्तों देख लो। क्यों देख लो? For the very simple reason that I will brief you at the end of this particular chart कि code of ethics 2019 में जो changes है वो कहाँ है, and we will understand कि ultimately वो altogether ethics को change करने वाला ethics नहीं है। In fact, it is more of some additions and a few amendments here and there, जिसको आप amendment video से easily cover कर सकते हैं, तो no need actually to wait for the new one, but I'll still tell you what are we going to share with the students. Next, कारो 2020 इज इट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, अगेन द आंसर इज नो। क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा 2021 से? मोस्टली येस। देर इज अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, जो भी 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल किया गया, इट्स अ रिवाइज स्टेटमेंट, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बेसिकली पीयर रिव्यूअर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब उनको एक एम्पैनलमेंट टेस्ट देना होगा, इसके अलावा कुछ डेफिनेशन एड करी है उन्होंने, कुछ डेफिनेशन में अमेंडमेंट किए, नो मेजर चेंज। हाउएवर स्टिल इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एंड डेफिनेटली इट विल बिकम एप्लीकेबल फॉर मे 2021। तो इनफैक्ट सर हमारे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए, व्हाट इज एप्लीकेबल?
फॉर नवंबर 2020 है क्या, लागू हुआ गया है? तो इसका सिंपल आंसर यह है, सेम एज मई 2020, जो आपका मई 2020 में कोर्स था सेम वही कोर्स आपका नवंबर 2020 में है, एक्सेप्ट फॉर क्या क्या चीजें हैं जो आपको एडिशनली देखना होंगी। तो वन, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट नवंबर 2019 से लेके 30 अप्रैल 20 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए वो अमेंडमेंट्स आपको एडिशनली कवर करने, और डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे ब्रीफली कि अमेंडमेंट्स कहाँ आए। तो आई वुड रादर से कि अमेंडमेंट्स कहाँ आए हैं ये आपको आईसीआई बताएगा इन देयर आरटीपी 2020। तो अगर मैं घुमा फिरा के बात करूं तो इफेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, नवंबर 2020 में व्हाट इज दैट विच यू हैव टू कवर? तो इंस्टीट्यूट कहता है यू हैव टू कवर स्टडी मटेरियल विच वी हैड बेसिकली इशूड फॉर 2020, जो कि अगस्त 2019 एडिशन है आईसीआई का, प्लस इसके साथ में यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द कॉरिजेंडम, कुछ करेक्शन है मटीरियल में, करते रहते गलती है इंस्टीट्यूट, कोई नई बात नहीं रही अब, और इसके साथ में यू शुड ऑल्सो रेफर द आरटीपी नवंबर 2020। ये जो आरटीपी है प्राइमरली ये क्या कवर करने वाली है? तो वी कैन सेफली से दैट दिस आरटीपी इज प्राइमरली गोइंग टू कवर योर नवंबर 19 से 30 अप्रैल तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, ये प्राइमरली इस आरटीपी में कवर होने वाले हैं। और ये अमेंडमेंट्स क्या होने वाले हैं? तो आरटीपी तो अभी आई नहीं है, जब आएगी तो हमको समझ में आएगा, बट ब्रीफली व्हाट आई कैन टेल यू इज कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। तो यू कैन सिंपली से दीज अमेंडमेंट शुड बी रिलेटिंग टू वन, कंपनीज एक्ट। आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर समय समय पे नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ अमेंडमेंट्स करते रहता है, तो ये सारे अमेंडमेंट्स डेफिनेटली आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, अगर मैं आपको बहुत ही ब्रीफली इन अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊं जो किए गए हैं, तो सबसे पहले आई वुड से कि देयर हैव बीन लॉट ऑफ एक्सटेंशंस व्हिच हैव बीन गिवन। एक्सटेंशंस किस तरह के प्रोवाइड किए गए हैं? लॉट ऑफ एक्सटेंशन एज सच, इनफैक्ट आपके रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड एक्सटेंशन है, AGM अगर आपका बैलेंस शीट रिपोर्टिंग पीरियड दिसंबर में एंड होता है इन एक्सेप्शनल केसेस तो उसमें देयर इज एन एक्सटेंशन। CRA 4 आपका जो फॉर्म होता है बेसिकली कॉस्ट ऑडिटर जो फाइल करते हैं उसकी डेट ऑफ फाइलिंग में देयर इज बीन एक्सटेंशन रिलेटिंग टू 2018-19। इनफैक्ट ROC के वेरियस फॉर्म्स देयर हैव बीन एक्सटेंशंस इन दैट। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो आपका जो NFRA 2 फॉर्म है उसमें भी एक्सटेंशन है, इनफैक्ट उसको तो इतनी बार एक्सटेंड किया है कि अब तो लोगों ने मान ही लिया है कि ये तो एक्सटेंड ही होते रहेगा। इनिशियल डेट उसकी 18-19 के लिए 30 अप्रैल 19 थी, फिर उसको नवंबर 19 किया गया, फॉर्म ही नहीं आया था, तो फिर फॉर्म आने के बाद बोला फॉर्म आने के 150 दिन में, फाइनली उसको 210 दिन कर दिया। एनीवेज ये आरटीपी में आएगा, फिर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, आई एम जस्ट ब्रीफली कवरिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट अमेंडमेंट्स यू विल हैव टू कवर। सो दैट इज अनदर अमेंडमेंट रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। CSR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू पीएम केयर्स फंड की डोनेशंस, एंड कोविड के कारण कुछ नॉर्मली आपने देखा होगा CSR में अगर आप एम्प्लॉइज को कुछ पेमेंट करते हो तो दैट इज नॉट एन एलिजिबल CSR एक्सपेंडिचर, बट आप कैजुअल वर्कर्स या डेली वेजर्स को अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो उसको स्पेसिफिकली एज अ वन टाइम एक्सेप्शन अलाउ किया गया है कि ये CSR में एलिजिबल होगा। प्लस अगर आप CSR की एक्टिविटीज करते हो विद इन द शेड्यूल 7 फ्रेम, आई मीन जिसमें आपके बेसिकली अलग अलग क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 and 12 विच टॉक्स अबाउट प्राइमरली हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटी रिलेटेड और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड, बिकॉज COVID has been announced as a national disaster. So in that case, उससे related आपके खर्चे would be eligible for a CSR spend. तो वो उससे related कुछ आपके amendments हैं विचार दें। इसके अलावा NBFC की अगर मैं बात करूँ तो NBFC में they have given a separate AOC 4 form for NBFCs, which is AOC 4 NFRA and AOC 4 Consolidated Financial Statement CFS NFRA. ये दो अलग से forms दिए गए हैं, बस इन forms को follow करना पड़ेगा, in fact फाइल करना पड़ेगा अगर आपकी एनबीएफसी इंडेस में कवर होती है तो। दैट इज अनदर अमेंडमेंट्स, और इस तरह की यू कैन से देयर आर सम छोटू मोटू मिसलेनियस अमेंडमेंट्स हैं इस तरह के। तो प्राइमरली अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ दीज अमेंडमेंट छोटू मोटू अमेंडमेंट्स कैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिव्यू बोर्ड को करना है और रिव्यू एज इन उनके एक्सपीरियंस उनका किस तरह की वर्किंग है उसके ऊपर एक ओपिनियन उनको बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 134 देना पड़ेगा।
सिमिलरली आपकी जैसे मैंने बोला फॉर्म्स फाइलिंग की डेट में कुछ एक्सटेंशन आपको मिले, इन जनरल 30 सितंबर तक सारी फॉर्म फाइलिंग एक्सटेंड हो गई है। तो ऐसे देर आर सम अदर अमेंडमेंट्स, देखते हैं इंस्टीट्यूट इसमें से कितने एप्लीकेबल करेगा फॉर द पर्पज ऑफ योर नवंबर 20 एग्जाम्स। तो वन इज योर कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड अमेंडमेंट जो एक्सपेक्टेड है कि आरटीपी में आएंगे। कंपनीज एक्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो कोड ऑफ एथिक्स मैंने बता दिया एज इट इज सेम है, तो देन हमारा अगला एक एरिया हो सकता है एसेज। तो एज सच एसेज में यू विल हैव टू रिमेम्बर वन थिंग दैट देर आर नो न्यू एसेज और देर इज नो काइंड ऑफ एनी चेंज इन एनी ऑफ द एसेज। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम कंपेयरिंग इट द मे 20 अटेम्प्ट। हाउएवर देर इज सम कोविड रिलेटेड गाइडेंस विच द इंस्टीट्यूट हैज गिवन एंड लेट सी कि क्या ये गाइडेंस को इंस्टीट्यूट आपकी आरटीपी में शामिल करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोल दिया आपके कोर्स में आपका स्टडी मटीरियल विच वॉज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन August 2019 विच वॉज नेम्ड एज एप्लीकेबल फॉर 2020 एग्जाम, वो प्लस आरटीपी नवंबर 2020 एप्लीकेबल होगी। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेंबर्स को गाइडेंस इश्यू करी थी इंस्टीट्यूट ने कि कोविड के कारण आपके ऑडिटिंग में कई जगह इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे कि आप 31 मार्च का शायद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं कर पाए होंगे या सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनफैक्ट जो आपके लोन्स के रीपेमेंट के रीशेड्यूलिंग हुई है उसके कारण हो सकता है देयर कुड बी सम इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट गोइंग कंसर्न असेसमेंट कुड ऑल्सो बिकम वन इम्पॉर्टेंट एरिया। ब्रांच ऑडिट्स अगर आपके पेंडिंग थे तो फिजिकली वहां जाके ऑडिट करना हो सकता है टिपिकल हो जाए। ऐसी कुछ की ऑडिट कंसिडरेशंस आपकी कोविड के कारण लगेंगी इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड। तो इससे कोई नया ऐसे नहीं आ रहा है, बट ऐसे में स्पेसिफिक गाइडेंस हमें मिल रही है कि हाउ विल वी अप्लाई इन द गिवन सर्कमस्टांस टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो दैट इज योर सम अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू एसेज। आई एम नॉट सेइंग ये आरटीपी में आएगा ही आएगा, बट वी मे एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन द आरटीपी। इफ यस वी विल डेफिनेटली कवर इट अप, अदरवाइज दिस इज डेफिनेटली एप्लीकेबल फॉर द मेंबर्स। इसके अलावा आपका एलओडीआर 2015, दिस इज वन एरिया जहां पे हमेशा अमेंडमेंट होते रहते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें से एक रेलिवेंट अमेंडमेंट बेसिकली एक डेट का है। दिस इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू योर चेयरमैन। आपकी कंपनी का चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और अनरिलेटेड टू प्रोविजन ध्यान होगा आपको, इट शुड बी अनरिलेटेड बेसिकली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और द सीईओ ऑफ द कंपनी। दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनी। दिस वॉज टू बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 2020, इसको चेंज करके 22 कर दिया। दिस इज वन स्मॉल अमेंडमेंट विच वॉज बेसिकली डन विद रिस्पेक्ट टू योर एलओडीआर। तो एक एप्लीकेबिलिटी उसमें आगे एक्सटेंड कर दी गई है, क्विकली मैंने बस कवर ही कर लिया यहाँ पे। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स, आपके जो भी स्पेशल ऑडिट अदर टॉपिक्स रहते हैं उसमें यू आर श्योर यू नो दैट यू नो देर आर अमेंडमेंट्स विच कीप कमिंग इन विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरली व्हाट। तो नॉर्मली अमेंडमेंट्स आपको टैक्स ऑडिट से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं एज इन जीएसटी और इनकम टैक्स ऑडिट में, तो वहां कोई अमेंडमेंट्स अगर आए तो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू पॉसिबली सी। इसके अलावा पर से अगर मैं बोलूं तो मिसलेनियस अमेंडमेंट्स लाइक आरबीआई के कुछ नोटिफिकेशन हैं विच कुड अफेक्ट यू नो बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट्स एंड ऑल। इन सब के अलावा इफ आई हैव टू ऐड एनी अदर थिंग तो आई वुड से दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स बट कुछ अपडेशन होते हैं नॉर्मली, और ये अपडेशन प्राइमरली किसमें होते हैं तो इंस्टीट्यूट एक नो योर एथिक्स करके हर महीने एक पब्लिकेशन निकालता है जो May 2020 के बाद उन्होंने नहीं निकाला पॉसिबली बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग, इनफैक्ट March 2020 के। तो नो योर एथिक्स में प्राइमरली यू नो दे जस्ट गिव सम न्यू केस स्टडीज प्लस एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड अलग अलग समय पे कोई नई अगर नॉन कंप्लायंस देखती है तो उसके ऊपर भी दे बेसिकली कम अप विद सम काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन। तो ये एक अपडेशन के फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इट। ऑडिट बोथ न्यू एंड ओल्ड कोर स्टूडेंट, दीज आर द अमेंडमेंट्स यू शुड बी अवेयर अबाउट। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया ऑडिट में क्या है। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू एफआर। एफआर में क्या होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग एफआर के अमेंडमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर वन कोई नया इंडेस नहीं आया है। ये मैं किसके कंपैरिजन में कह रहा हूं, मई 2020 जो पॉसिबली इनफैक्ट प्रपोज था से नवंबर 2020 एग्जाम में, ए नो न्यू इंडेस हैज कम इन, बी नो चेंज इन एनी पर्टिकुलर इंडेस विच इज देयर इन योर कोर्स has been issued by the Ministry of Corporate Affairs in any of the Indias, which means as such ki jo Indias aapke, main baat kar raha hu CA final new course ke students ke liye, jo Indias
जो प्रोविजन इंडेक्स के मई 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल थे, सेम टू सेम वही नवंबर 2020 के लिए भी एप्लीकेबल होंगे. तो देयर हैज बीन नो चेंज व्हाटसोएवर व्हेन आई टॉक अबाउट इंडेक्स. सो लेट्स कम टू एफआर नाउ. ओके, एफआर एंड एफआर में लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट एफआर न्यू कोर्स. तो सबसे पहली चीज, देयर इज नो न्यू इंडेक्स. There is no kind of amendment which has happened in any of the index or the chapters. So what has changed per se? One, study material mein institute ne kuch corrigendum issue kiya hai, as in corrections issue kiya hai. Two, November 2020 RTP ke liye hume wait karna hoga. अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आता है तो. डू आई एक्सपेक्ट एनी अमेंडमेंट? नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी अमेंडमेंट्स. आई वुड रादर से एक्सेप्ट हो सकता है कि कोविड रिलेटेड जो गाइडेंस दी थी मेंबर्स को ऑन सर्टेन स्पेशल अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, कोविड के कारण आप समझ सकते हैं बहुत सारे अकाउंटिंग इश्यूज पैदा हो सकते हैं. जैसे कि कैसे, एज एन नॉट इश्यूज, सिचुएशंस पैदा हो सकती है. लाइक से फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली 3 महीने का मोरिटोरियम एक्स्ट्रा मिला, तो उसके कारण आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मॉडिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो का प्रोविजन इन डेज 30 इनफैक्ट 109 का अट्रैक्ट होता है. इम्पेयरमेंट की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ सकती है. इन्वेंट्री के वैल्युएशन में हैवी इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री विच हैज बीन सफर्ड बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज, बिकॉज उनकी इन्वेंट्री एज सच क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, या एज सच उनकी मार्केट वैल्यू में ह्यूज डिक्लाइंस आ गए. देर कुड बी बिग इम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट इफेक्ट्स. देर कुड बी सम प्रेजेंटेशन इफेक्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ रिक्लासिफिकेशन ऑफ लोन टू करंट नॉन करंट. बेसिकली आपका जो ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट के प्रोविजन हुआ करते थे, तो क्योंकि बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए होंगे प्लस एक्सटेंशन मिला है आपको, तो ये सब उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है. फाइनेंशियल असेट्स का वैल्यूएशन डेफिनेटली कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ कोविड. सो कोविड के आ जाने के कारण आपके स्टैंडर्ड में कोई चेंज की जरूरत नहीं है, बट एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उस स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई किया जाएगा ये समझने की जरूरत है. जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू बढ़ सकती है, सेल्स रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, डिस्काउंट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है. तो इसका इफेक्ट समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस मेंबर को दी थी कि भाई ये पॉसिबल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ सकते हैं और इससे कैसे डील किया जा सकता है अंडर द इंडियन सिनेरियो. Even under accounting standard, they had given that particular guidance. देखते हैं क्या institute उसको students के course में शामिल करेगा. होगा भी तो हमारे लिए it will just become some additional question answers practice, nothing more than that. इसके अलावा per se FR new course में there is nothing which has come up new. Sir, आप तो है ना new का मत बताओ, आप तो ये बताओ कि last 2 years में what has changed? क्योंकि हमने एफआर की हमारी बैच कर ली थी 2 साल पहले, अब अटेम्प्ट आ गया है सामने और हमको थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन सा है. तो आखिरी 2 साल में क्या चेंज हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया. बट जस्ट टू क्विकली आंसर योर क्वेरी, इन द लास्ट 2 इयर्स व्हाट हैज चेंजेस, तो आप एक चीज ये समझ लीजिए, देर हैव बीन सर्टेन इंडेक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर कोर्स, विच इंक्लूड्स 29 हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी का जो स्टैंडर्ड होता है, 104, 106 विच इज फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी, and 114 also which is relating to regulatory referral accounts. तो ये पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. इसके अलावा देर आर बीन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इंडेस, ओल्ड कोर्स वाले भी सुन लेना, इंडेस 11 और इंडेस 18 की जगह इंडेस 115 आ गया है, और इंडेस 17 जो लीजेस पे था इसकी जगह यू गॉट इंडेस 116 ऑन लीजेस, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टैंडर्ड. इसके अलावा देर हैव बीन अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स विच हैव हैपेंड, और ये अमेंडमेंट्स हुए थे 2018 में और 2019 में, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम टैक्सेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन सबके प्रोविजंस में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं जिसके वीडियो में शेयर कर चुका हूं अदरवाइज. इसके अलावा व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज डन इज एएस हैज बीन कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यू कोर्स. तो
तो आपको कोई एज नहीं पढ़ना है, पहले 6 एज आपके कोर्स में हुआ करते थे कंसोलिडेशन के 3, और उसके अलावा आपका इंपेयरमेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यू यूज टू हैव दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन योर कोर्स, ये सब हटा दिए गए हैं। मॉड्यूल में अभी भी एज इंडेक्स की कंपेरिजन है पर कभी पूछते नहीं है। IFRS और US GAAP, कि जो कंपेरिजन हैं ये भी आपके कोर्स से हटा दिए गए, ये अब GFRS में आपको पढ़ना है। तो ये पिछले 2 साल में कुछ चेंजेस हैं, अगर आप थोड़े से अपडेटेड थे तो ये आपके काम हो जाएगा। दीज आर द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स। अब आते हैं अपन FR ओल्ड कोर्स के ऊपर। ओल्ड कोर्स के लिए स्टूडेंट सुन ले कि इंस्टीट्यूट की तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, तुम्हारे कोई मटेरियल में भी बदलाव नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। ओल्ड कोर्स का आपका कौन सा मटेरियल एप्लीकेबल है? तो जनवरी 2017 का आपका स्टडी मटेरियल, आपका प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो एज इट इज लागू होता है, और इसके अलावा आपको एडिशनली RTP नवंबर 2020 की देखना होगी, जिसमें आपको खूब सारे अमेंडमेंट्स मिलेंगे, हर RTP में आते हैं, पर ये कोई आप यू समझ लो नए अमेंडमेंट नहीं आने वाले हैं, ये किसके जैसी होगी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मे 2020 RTP, ये देख लेना। तो इसमें बेसिकली इंडेक्स में जो चेंज हुए हैं ये सारी चीजें बताई जाती है, इनफैक्ट मेजर डिस्कशन इसमें सारे चेंजेस जो हैं वो इंडेक्स रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये कह दूं कि आपको इंडेक्स 115 और 116 का ओवरव्यू होना चाहिए, जिसका मैं एक रिविजन, क्विक रिविजन 116 का शेयर करूंगा, 115 का ऑलरेडी है। प्लस आपको AS19 पढ़ना है, तो इंडेस 17 और AS19 की कंपैरिजन की जगह आपको इंडेस 116 और AS19 का कंपैरिजन पढ़ना है, और इंडेस 116 और 115 का आपको ओवरव्यू रखना है, क्योंकि आपको मालूम है CA फाइनल ओल्ड कोर्स में एक क्वेश्चन 16 मार्क का, इनफैक्ट 16-20 मार्क्स का इंडेस से रिलेटेड आता है, जिसमें आपके कंपैरिजन के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच कुड बी अ स्मॉल प्रैक्टिकल और सम काइंड ऑफ अ कंपैरिजन रिलेटेड, और इंडेस 115 और 116 से रिलेटेड कोई एक स्मॉल बेसिक, जिसमें ओवरव्यू से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ये आपके सारे के सारे चेंजेस हैं दोस्तों, जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किए हैं। ये कहाँ नोटिफाई किए हैं, तो आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओगे तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इंस्टीट्यूट की साइट पे आप सबको पता है ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्टूडेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज का अनाउंसमेंट पे जाइए, क्योंकि नई साइट बन गई है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। फाइनल कोर्स में जाओगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको दिखेगा, दिस इज द वे यू विल फाइंड द एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन विच इज देयर। आई विल जस्ट क्विकली, आई हैव डाउनलोडेड इट हियर, आई विल जस्ट क्विकली शो यू वॉट दे हैव गिवन इज। तो ये जो इन्होंने लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन फ्रॉम द सिलेबस दिया है, इंडेस 37 के कुछ अपेंडिक्स हैं जो अदरवाइज कोई काम नहीं आया करते थे, वो अपेंडिक्स हट गए, कृपा करके समझना इंडेस 37 आपके कोर्स में है, ठीक है। इंडेस 29 जरा भी नहीं है, 104, 106, 114 जरा भी नहीं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में 2 सेक्शन होते थे, AS के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, इंडेस वाला पार्ट कोर्स में, AS वाला पार्ट कोर्स में नहीं है। इसके मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ अलग से वीडियो शेयर किया था, जो इंस्टीट्यूट ने अगस्त 2019 में नया स्टडी मटेरियल लॉन्च किया था, उसमें जो नए क्वेश्चंस ऐड किए थे और ये जो चैप्टर में चेंजेस किए थे, उसका पूरा एक 2-3 आवर्स का वीडियो है, जिसमें आई हैव डिस्कस्ड ऑल द न्यू क्वेश्चंस एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपको कॉरिजोंडम जो दिया है इंस्टीट्यूट ने, वो कॉरिजोंडम पढ़ना पड़ेगा, और इंडेस 116 आपके कोर्स में है, इंडेस 17 आपके कोर्स में नहीं है। MCA के कोई भी अमेंडमेंट्स अगर नोटिफाई होंगे 30 मार्च 2019 के बाद नहीं हुए हैं, तो इसके लिए बोला नहीं गया है, होते तो बोल देते, वो फॉलो करना पड़ेगा। ये रिवाइज सिलेबस अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स का, तो ये इसमें प्रमाणली अगर आप देखोगे तो दे हैव एक्सक्लूडेड एवरीथिंग विच इज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक चीज और, इनफैक्ट आपके जो चैप्टर्स हुआ करते थे, दे हैव ऑल्सो एक्सक्लूडेड योर चैप्टर्स ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कार्बन एमिशन नॉर्म्स राइट्स, कार्बन एमिशन राइट्स हुआ करती थी, ये सारे चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए गए, अब आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। फ्री के मार्क्स हुआ करते थे, इंस्टीट्यूट को अच्छा नहीं लग रहा था देना, तो उन्होंने बोला कि छीन लो इनसे, ये भी मत दो अपन का, एक देना इनको, मेहनत की दो, है ना। तो इंडेज पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, है ना, करने दो इनको दिन रात जी जान से मेहनत, इनको तो है ना CA स्टूडेंट्स के लिए एक अलग एम्बलम बना देना चाहिए, जैसा अपना मोटो है ना ICI का, येशु सुप्तेशु जागृति, जब सब सोते हम जागते हैं, स्टूडेंट का होना चाहिए येशु सुप्तेशु जागृति, येशु जागृति स्टिल जागृति, जब सब सो रहे हैं तब हम जग रहे हैं, जब सब जग रहे हैं तब भी हम जग रहे हैं, है ना, छोड़ो ही मत उसके लिए कुछ। एडवांस ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स में देख लीजिए, ये न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए सेम है,
आपको कहा गया है कि स्टेटमेंट स्टैंडर्ड नवंबर 20 में 227(1A), 143(1) की जो स्पेसिफिक इंक्वायरी के 6 पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट का, उसको आपको कोर्स में कवर किया गया, और कोई स्टेटमेंट कोर्स में नहीं है। स्टैंडर्ड्स आपके वही SQC 1, SA 200 से 720 तक सारे कवर्ड है। 800 सीरीज, 4000, 3000, 2000 सीरीज कोर्स से हटा दी जा चुकी है साल भर पहले। गाइडेंस नोट अब आपका सिर्फ टैक्स ऑडिट का, बैंक का, IFC/FR और ये देख लो कारो 2016-2020 नहीं है। इसके अलावा नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए अगस्त 2019 वाला स्टडी मटेरियल लागू होगा, प्लस रिवीजन टेस्ट पेपर आपको नवंबर 2020 की आरटीपी देखना होगी, सेबी के अमेंडमेंट्स देखना होंगे, जीएसटी के कोई अमेंडमेंट्स है तो वो देखना होंगे, कॉरिजेंडम भी दिया हुआ है उसे भी आप देख लीजिएगा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से अगर आप पढ़ते हैं तो। ये साल भर पहले ही स्पेशल ऑडिट टॉपिक्स हटा दिए गए थे, ये सारे स्टैंडर्ड्स हटा दिए गए थे, उसकी लिस्ट दी हुई है, ये सारे गाइडेंस नोट हटा दिए थे। ध्यान रखना कोड ऑफ एथिक्स का पब्लिकेशन हटाया, यानी जो मैनुअल है कोड ऑफ एथिक्स का उसको हटाया गया, कोड ऑफ एथिक्स नहीं हटाए, वो चैप्टर आपके कोर्स में है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या हुआ है तो दोस्तों जस्ट एज आई टोल्ड यू आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ अबाउट इट। सो व्हाट हैपेंड इज कोड ऑफ एथिक्स जो 2009 में आया था दैट यूज टू हैव टू पार्ट, पार्ट ए वॉज द IFAC कोड एंड पार्ट बी यूज टू बी द ICAI कोड। पार्ट ए वॉज रिकमेंडेटरी काइंड ऑफ एंड पार्ट बी इज समथिंग विच इज मैंडेटरी काइंड ऑफ। इनफैक्ट जो शेड्यूल्स और उसके जो मिसकंडक्ट हैं, जो अगर आप करेंगे तो सेक्शन 22 में आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, दैट इज ऑल कवर्ड अंडर पार्ट बी इनफैक्ट दी CA एक्ट। अब उन्होंने पार्ट ए पार्ट बी को वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में कन्वर्ट कर दिया है। वॉल्यूम 1 इज रिलेटिंग टू दी IFAC कोड विच इज बेसिकली इश्यूड बाय दी इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स IEASB विच इज बेसिकली IESBA इनफैक्ट इस बार विच इज IFAC की बोर्ड है, जैसे कि ICAI की आपकी बोर्ड होती है विच इज योर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उन्होंने कोड इश्यू किया, उसको हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, और वो कोड हमने इच्छा रखी थी कि हम अप्रैल 2020 से लागू करेंगे, बट उसको फिर जुलाई 2020 से एप्लीकेबल किया। ये वॉल्यूम 1 में आता है, ये इंटरनेशनल कोड है। वॉल्यूम 2 में अब उन्होंने क्या कर दिया है, जो पहले सब कुछ पार्ट बी में हुआ करता था वो अब वॉल्यूम 2 में आ गया, और उसकी थोड़ी सी छटाई करके, साफ सफाई करके, उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली हेडिंग्स वगैरह के साथ प्रेजेंट कर दिया है। ध्यान रखना CA एक्ट और रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं है, यानी कि सारे क्लॉजेस आपके एज इट इज सेम टू सेम वही के वही है, बट उन क्लॉजेस के अंदर कमेंट्रीज में कहीं क्या किए, दे हैव डन सम मोर एडिशन, जैसे कि क्लैरिफिकेशन, क्या ईमेल से प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, क्या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का हम हमारे विजिटिंग कार्ड में रेफरेंस दे सकते हैं, क्या हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट्स रख सकते हैं, टेंडर्स से रिलेटेड कब एप्लीकेशन करना परमिटेड होगा नहीं होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, तो ऐसी कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन। मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपका जो क्लास 6, 7, 8 है और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है, यहाँ पे मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो कुछ क्लैरिफिकेटरी इंट्रोडक्शन बाय, तो आप 1-2 घंटे के अमेंडमेंट से उसको इजिली कवर कर पाओगे। और सारे केस लॉज उन्होंने वॉल्यूम 3 में शिफ्ट कर दिए, जो पहले भी नहीं पढ़ते थे अभी भी नहीं पढ़ते। चलिए, तो ये आपका कोड ऑफ एथिक्स का एक क्विक अपडेट है, एंड दिस इज नोटिफिकेशन विच वॉज विद रिस्पेक्ट टू द CA फाइनल न्यू कोर्स। अब मई 2020 से कंपेयर करोगे तो आपको सिमिलर मिलेगा। ओल्ड कोर्स का अगर मैं बता दूं तो देख लो उनके कोर्स में सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं, गाइडेंस नोट सब एज इट इज है, जैसा मई 2020 में था सेम वही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको कंपेरिजन बोला है पढ़ना है, और आपके कोर्स में AS 19 होगा जैसे मैंने बताया। इंडेज 116 और 115 का आपको अच्छा ओवरव्यू ले लेना चाहिए, तो लिखा है नवंबर 20, 115, 116 इज एप्लीकेबल एंड इंडेज 11, 18 and 17 आर नॉट एप्लीकेबल। I've taken a little bit of time, but I've comprehensively explained in terms of what is there in November 2020 and what is not there. May 2021 से Code of Ethics, CARO 2020 and a revised peer review statement is going to become applicable. इसके अलावा financial reporting में recently institute has given a technical guide on accounting for CSR, बहुत ही छोटा सा topic है। November 2020 में it is not applicable, it will become applicable for May 2021 which is relating to accounting for corporate social responsibility expense, जिसके ऊपर पहले guidance note होता था, that has been withdrawn. चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ वी विल बी कमिंग अप विद रिविजन लेक्चर्स फॉर FR एंड ऑडिट बोथ। वी वर वेटिंग कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ जाए कोर्स में क्या आने वाला है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद इट। आई विल टेक सम लाइव सेशंस जिसका मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लेना तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज फ्रेंड से पूछ लीजिएगा, एंड अदर्स आई विल बी बेसिकली शेयरिंग इट ऑन द यूट्यूब और थ्रू द स्टूडेंट्स। And these revision lectures would be covering FR, B audit. FR mein I have already covered all the Ind AS. This is that consolidation, business combination, financial instrument. 3 chapter ke revision spending hai. Baaki sab revision mein already share kar chuka hoon.
ऑडिट में ऑलरेडी देर आर ओल्ड लेक्चर्स रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी ऑडिट. इन तीनों टॉपिक्स के नए रिविजन लेक्चर्स आई विल बी शेयरिंग. आई विल नॉट बी शेयरिंग फॉर कोड ऑफ एथिक्स क्योंकि उसका रिसेंट रिविजन अवेलेबल है, बट आई विल बी शेयरिंग फॉर डेफिनेटली फॉर ऑल द स्टैंडर्ड्स. कंपनी ऑडिट में अगेन देर इज वन रिविजन लेक्चर विच इज अवेलेबल विच यू कैन यूज. तो दीज आर द रिविजन लेक्चर विच विल बी कमिंग अप. इन डेज 116 का भी रिविजन लेक्चर आएगा, एंड फॉर डाउट्स विद द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग सम लाइव सेशंस. थैंक यू.